आजा मेरी अखियों में, कित और ना नजर लग जावे। ओए ओए ओए, तेरे दिल को बड़ा यकीन था कि वो आएगी। इस दबा के लिए डरता क्यों है इतना है? सुन, ऐलान कर दो। तू ऐसे कह रहा है जैसे शादी का नहीं, ऐलान है जंग करने वाला है तू। भाई तेरा कोई भरोसा नहीं है, तेरी शादी है जंग भी हो सकती है। तू रहने दे, मैं खुद बता दूंगा। बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी तवज्जो दरकार है, एक गुड न्यूज है, इस हफ्ते हमारे घर में शादी है। मेरी नहीं है, मेरे कजन की शादी है, तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, इसलिए प्लीज जरूर आइएगा और मुबारकबाद देने में बिल्कुल मत शर्माइए, दे सकते हैं। मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बहुत जल्द आप लोगों को मेरी तरफ से भी खुशखबरी मिल जाएगी। शादियां होंगी एक घर में दो दो, तो सब मिलके बोलो ओके। और चलो कोई नहीं, आ जाओ, यहां रख दीजिए। शुक्रिया, जा सकते हैं। अबीर, ये देखिए, ये सब हमें अम्मा ने जहेज में दिया था और हमने उसी दिन सोच लिया था अगर हमारी बेटी होगी तो ये सब हम उन्हें देंगे। कैसा है? नाइस। क्या नाइस? आपने देखा तो है नहीं और कह दिया नाइस। ये देखिए ना, ये सब हम आपके लिए लाए और अगर आपको कोई और पसंद हो तो आप वो भी ले सकती हैं। आप जानती हैं ना, मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले की बात और थी अबीर, मगर अब आपकी शादी हो रही है। आप जानती हैं अबीर, आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। हम आपके बगैर रहेंगे अकेले, जब जब ये सोचते हैं हम काम जाते हैं, अपनी खुशी के लिए ना सही लेकिन हमारी खुशी के लिए रख लीजिए। पहनिएगा नहीं, कम से कम हमें ये तसल्ली तो हो जाएगी ना कि हमारी बेटी ने हमारा मान रख लिया। ओके। वैसे सारा को देख के लग नहीं रहा कि उसको तेरी शादी की बात कुछ ज्यादा अच्छी लगी। चल, इससे ये तो पता चल गया है आग दोनों जाने बराबर लगी हुई। पता नहीं यार, शायद। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? खुद तो इजहार करता नहीं और जब लड़की अपने रवैये से तुझे बता रही है तो तुझे लगता है शायद वो तुझसे प्यार करती है। कमाल आदमी है तू वैसे। भाई तुझे क्या मसला है? अच्छा चल ये बता कि जब वो इवेंट पे घर आएगी तो तू घर वालों से मिलवाएगा उसको? मैं तो सिर्फ दादू से मिलवाऊंगा। तूने मुझे नहीं, तूने दादू को बता दिया? हाँ भाई, सारा काम ही दादू ने करना है। अच्छा, हम तो फालतू है ना, सब काम दादू का, दादू ही है सारी। फरा जी, बात सुनिए। बैठिए। नहीं, हम ठीक है, आप बताइए। इकलौते बेटे की शादी है, आपका रवैया हमारी समझ में नहीं आ रहा। जी जी, इकलौते बेटे की, हमारे इकलौते बेटे की शादी और हमसे पूछे बगैर तय कर दी गई सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर।
कितने अरमान थे हमारे हमजा की शादी के लिए। तो आप अपने सारे अरमान पूरे कीजिए, किसने रोका है आपको? आपने, मतलब ना कोई तैयारी हुई, ना ढोलकी रखी गई, ना कार्ड छपे, और बस हमें इतला दे दी गई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके बेटे की शादी है। वाह फरा, अभी तो वक्त है ना, अभी तो हमें खरीदारी करनी है, सुनार के पास जाना है, और बरी के जोड़े में तो आप माने दीजिए ना अम्मा, इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया तो बाकी सब कुछ खुद ही कर लीजिए, क्या मजायका है इसमें। हेलो ब्यूटीफुल, क्या हुआ भाई? आपकी वालदा नाराज हो रही है कि अपने इकलौते बेटे की शादी के अरमान पूरे नहीं कर सकी। अरे तो करें ना, निकाले ना सारे अरमान। क्या कैसे करें, मतलब हमसे पूछे बगैर हमारे बेटे की शादी तय कर दी एक हफ्ते के अंदर अंदर, और हमसे पूछा तक नहीं कि लड़की हमें पसंद भी है या नहीं। पसंद क्यों नहीं होगी, घर की लड़की है, अपने खानदान की बच्ची है। अम्मा आपको तो अच्छी लगेगी ना, आपकी तो नवासी है भाई, क्यों नहीं अच्छी लगेगी आपको भला। आपसे तो बात करना ही फजूल है। देखा देखा इनका रवैया हमारे साथ। अच्छा आप छोड़े ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ हाँ छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, तुम्हें भी छोड़ दिया है, जिसका जो दिल चाहे करे। मम्मी सीरियसली? हाजरा बासित से कहो गाड़ी निकाले। ओके फाइन। हेलो जी, काफी शॉपिंग हो गई आज, है ना? पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब हमें छोड़कर क्यों चले गए। इतने और काम है घर के, वलीमे का फंक्शन है, बारात का फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, उसका खाना पीना कपड़े सब काम बाकी, नहीं तो कितने पाकिस्तान में शादी को इतना मुश्किल काम क्यों बना देते हैं? मजा भी तो फिर यही आता है ना। हाँ ये तो। अरे तू क्या तब से फोन में घुसा हुआ है, बस कर दे, रख दे फोन। बस अब ये यही रहेगा। आज के बाद ऐसी हरकत मत करिए, मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरा फोन लेता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी तो हम कौन सा तेरा फोन चेक कर रहे हैं, जब से फोन यूज कर रहे हैं बुरा लग रहा है हमें। बहुत हो गई शॉपिंग, मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है, घर चलते हैं। अच्छा लो ले लो। नहीं चाहिए। ले मुंह ठीक कर लो, ले लो। गाइस मैं दादू के लिए कोई परफ्यूम वगैरह लेकर आता हूँ, दादू के लिए कुछ ले आएंगे मैंने। हम शादी क्यों कर रहे हैं, हमारा तो एक दूसरे पर कोई हक भी नहीं। Listen, girlfriend की ना, even बीवी की भी एक लिमिट होती है, उसे वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं ख्याल रखूंगी। मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ, okay? हमजा, I'll see you guys. हमजा मैं अकेली हूँ। मैं कोई बात नहीं, वो आ जाएगा उसके साथ घर पर। मैं चल रही हूँ आपके साथ। तुम रुक जाओ, बैठ जाओ। जैसे हमजा वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ। हमजा मैं, हमजा हमजा कहाँ गए? उन्हें कुछ जरूरी काम था, चले गए वो। देखिए मुझे पता है कि हमजा थोड़ा लापरवाह है, लेकिन आई अश्योर यू शादी के बाद वो आपका बहुत ख्याल रखेगा। देख लिया मैंने, पता नहीं ऐसा किससे मिलना था जो इतनी जल्दी में
मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। क्या हुआ, अब तक जाग रहा है? सो जाएगा टाइम से, हल्के पड़ जाएंगे आंखों के नीचे। हमसा मुझे एक बात बता। क्या? मैं मॉल में छोड़ के किस लड़की के पीछे गया था? ओ, देख लिया तूने? शादी हो रही है तेरी, बस करती है हरकतें। शादी हो रही है, हुई नहीं है, जब होगी तो छोड़ देंगे। यही तुझे डर कर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर अबीर देख लेती तो? लिसन, बाहर से आई है वो, अपनी जिंदगी एंजॉय करके। 2000 बॉयफ्रेंड्स उसके भी होंगे, और जहां तक मुझे लगता है ना, इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो शराफत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यू आर बोरिंग एंड यू नो दैट। सो जा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, 12 बज रहे हैं। हन्नान बता रहा था कि आप नाराज हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सीरियस है तो लग रहा। मुझे मम्मा बुला रही है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? मुझे बात करनी है यार, बात तो सुन के जाओ। लिसन, बात तो सुननी पड़ेगी, समझे? चलो। अम्मा, आपने खुर्शीद भाई का नाम लिखवाया? अरे भाई, उनका तो सबसे पहले लिखवाया, उनको कैसे भूल सकते हैं हम। और बेटे, वो नासिर साहब का नाम लिखिएगा जरूर, उनकी पूरी फैमिली को बुलाइएगा और अपने दोस्तों का। जी दादू, लिखते हैं। सबकी अम्मी को जरूर बुलाइएगा, नासिर की अम्मी को खास तौर से, बहुत पूछती रहती हैं हमें, हर तकरीब में बुलाती हैं। ये अबीर कहां गई हैं हमजा के साथ, कुछ इल्म है मारुख आपको? भाभी, हमें कोई अंदाजा नहीं है, हो सकता है दोनों ने कोई जरूरी बातें करनी हो। क्यों, सब खैरियत तो है ना? पता नहीं, हमने तो देखा कि हमजा ने अबीर का हाथ पकड़ा हुआ है और वो मजे से उसके साथ जा रही है। मतलब अगर कोई जरूरी बात करनी थी तो 3 दिन ही रह गए ना शादी में, बाद में भी की जा सकती थी बात। हम समझते हैं कि लड़के करते हैं इस तरह, लेकिन लड़कियों को खुद मोहतात रहना चाहिए। कैसी बातें करती हैं फरा, मंगनी हुई भी ये दोनों की, हो सकता है कोई बात करनी हो, क्यों बात को बढ़ा रही हैं? हम बढ़ा रहे हैं बात को? वाह अम्मा जी, क्या बात है आपकी, आपके तो उसूल ही अलग हो गए सबके लिए, अब बहुओं के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, और नवासी के लिए बिल्कुल ही अलग। हमें अच्छी तरह याद है, शादी के बाद एक दफा हम फराज के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे और आपकी नजर पड़ गई, और आपने किस बुरी तरीके से हमें सबके सामने झिड़क दिया था कि कैसे बेशर्मों की तरह सबके सामने शौहर के साथ बैठी खाना खा रही हैं आप। हम तो शादीशुदा थे, मगर इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, और आप कितने मजे से कह रही हैं कि
मंगेतर है, क्या हुआ? ऐसे नहीं होता अम्मा, इतना फर्क नहीं करते। आप क्यों परेशान हो रही हैं? उनकी तो आदत है बात बढ़ाने की। अच्छा हाँ हनान, उनका नाम लिखा वो दिमाग से निकल गया, फिर बता देंगे आपको। I'm sorry, no. Hamza, मैं चाहती हूँ कि आप responsible हों। मैंने अपने बाबा को नहीं देखा है और ना ही मेरा कोई भाई है, और जब आप मेरी केयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और जब नहीं करते। So, okay. I'm sorry, ऐसे नहीं होगा अंदर से, okay? और वैसे भी किसी गैर के पास थोड़ी छोड़ कर गया था, हनान है यार, भाइयों जैसा है मेरे। I trust him. I know. हनान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल भी रखा, लेकिन मेरा रिश्ता तो आपसे है ना, उनसे नहीं है। I'm sorry, I'm so sorry. अच्छा ओके, हम इस गलती का हजाला ऐसे करते हैं कि मैं आपको लंच पे लेके चलता हूँ, आप तैयार हो जाएं, और जो आपकी शॉपिंग रह गई थी वो हम आज मुकम्मल कर लेते हैं, कैसा? एक शर्त पे। जी। आज हमारे साथ हनान नहीं जाएंगे, वरना फिर आप मुझे उनके पास छोड़ कर चले जाएंगे। ओके फाइन, ओके नहीं लेके जाएंगे उसको, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। बस जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम इतना कम है पहले। ठीक है, हो जाते हैं। क्या हुआ? कोई शर्म लिहाज है तुम दोनों में या नहीं? हा? अभी शादी हुई नहीं और सारे घर में इसका हाथ पकड़े घूम रहे हो। चलो ये तो अमेरिका से आई है, तुम तो पाकिस्तान में पले बड़े हो, तुम ही कुछ लिहाज कर लो। ऐसा क्या हो गया है जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? चार दिन हमजा, सिर्फ चार दिन हुए ऐसे आए हुए, फिर इतने दिनों में ही इसका जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है, हद हो गई भाई, हद हो गई। ये मानी ऐसे रिएक्ट? इट्स ओके, इग्नोर, गो गेट रेडी। ओके सुनो, पिक्चर तो भेजो ना। भेजते हो? रुक जाओ यार, कब भेजोगी यार, कुछ नहीं भेज रही, बाहर जो हमने लिए भी। भेजती हूँ मैं, भेजती हूँ। गाइस, आप लोग सब परसों आ रहे हैं ना हमजा की मेहंदी पर? अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स आ रहे हैं। आप सब लोगों ने जरूर आना है, क्योंकि दादू ने इनवाइट किया हुआ है, इसलिए प्लीज डोंट मिस इट। अरे यार आएंगे भी और डांस भी करेंगे, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। सारा सारा तुम्हारी हो ना? कहाँ? अरे यार हमजा की मेहंदी हो रही है और हम सब लोग जा रहे हैं, तुम भी आ रही हो ना? आऊंगी मैं। परफेक्ट, ये तो बात तय हो गई। अब ये बताओ बहुत अच्छा लगेगा आपको, ट्रस्ट मी। आई नो आपने बाहर बहुत अच्छे अच्छे खाने खाए होंगे, लेकिन हम भी कम नहीं है। मामाने को इस तरह से हमारा बाहर आना अच्छा नहीं लगा। तो क्या फर्क पड़ता? क्यों फर्क नहीं पड़ता, मदर है आपकी, वो बिल्कुल फर्क पड़ता है। लिसन, मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं। दिस वे
वैसे आपको कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? आई मीन मुझ जैसी या फिर डिफरेंट? सच कहूं तो मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी, पर आपका एटीट्यूड ना बहुत बेजार करता था मुझे, इसलिए तो शादी से इनकार कर दिया मैंने। अच्छा, फिर मान कैसे गए शादी के लिए? क्योंकि बाद में आप अच्छी लगने लगी मुझे। वैसे मैं आपको कैसा लगता हूं? अच्छे लगते हैं। सिर्फ अच्छा लगता हूं और क्या कहूं? I mean, come on, say something romantic, something different. नहीं, मुझे ये सारी बातें बहुत फजूल लगती हैं। इसमें फजूल क्या? इतना कह सकती हूँ कि मामा ने आपको मेरे लिए पसंद किया और मेरे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करते, इसलिए वो खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। Okay, so you are in love with me. ये कैसा सवाल है? Come on. मुझे बहुत भूख लगी है। Of course, of course. That's why we are here. Excuse me. Show me the menu. There you go. Thank you. इनके dynamite prawns बहुत अच्छे होते हैं। I'll have soup. No, okay. One soup, one dynamite prawns. Thank you. भाईजान, यार ये पीछे लाइट्स कम क्यों हैं? यहाँ पे लाइट्स भी थोड़ी सी और लगाएं प्लीज, किसी को कहें। और फ्लावर अरेंजमेंट आपने सिर्फ पूरी रखनी है, थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बड़े जोरों शोर से चल रही हैं तैयारियां। देख ले, तेरा फंक्शन है, सुबह से सर खपा रहा हूं। अच्छा, मेरा फंक्शन, सब बहाने समझ रहा हूं मैं। असल तैयारियां तो किसी और की आमद के लिए हो रही हैं। यानी तू कह रहा है कि ये सब मैं सारा के लिए करवा रहा हूं? कोई शक है आपको इसमें? भाई तू से एक बार आने तो दे। रेड कार्पेट भी शॉर्ट। ओह, इरादे तो बड़े नेक हैं लड़के के। मैं तो उस वक्त से सेकंड्स गिन रहा हूं, कब रात होगी, कब वो आएगी। आ जाएगी मेरे आशिक मिजाज दोस्त, पर आज हिम्मत करके इजहार कर दीजिएगा। खुदा राम भाई, इजहार तो एक बार ही करेंगे। हाँ, लेकिन उसे आज दादू से जरूर मिलवाना है। भाई साहब, ये फूल थोड़े और। कहा है मैंने, कहा है यार यहाँ पे थोड़े और फूल लगाएं, यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट और करा। ओके ओके। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? अल्लाह करे आपकी जिंदगी में आने वाला यह नया रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, आपको वो सब कुछ मिले जो आपको इस जिंदगी से नहीं मिला। आप मुझे अकेला छोड़कर चली जाएंगी? अकेली कहाँ होंगी आप, सब तो हैं यहाँ आपके पास। हमजा हैं, अम्मा हैं, भैया हैं, सब आपसे कितना प्यार करते हैं, कितने लाड उठाते हैं आपका। और आप तो नहीं होंगी ना? हम मिलने आया करेंगे ना आपसे, आप भी आइएगा हमसा के साथ। बल्कि हम ऐसा करेंगे कि रोजाना वीडियो कॉल पे बात करेंगे। जानती हूँ मैं, मेरा दिल रखने के लिए कह रही है ना आप ऐसा। आप रो रही हैं, आप तो ब्रेव कर रहे हैं, और ब्रेव लोग तो कभी नहीं रोते। अगर आप रोएंगे ना तो फिर हमें भी रोना आ जाएगा।
बहुत खुश रहे, सब कुछ मिले आपको जिंदगी में। एक सेकेंड में आई। नहीं यार, उसने कहा था वो सबके साथ आएगी। ओ, और अगर सब आ गए और वो नहीं आई तो? नहीं, नहीं आएगी। उसने तुझसे कहा? नहीं, कहा तो नहीं था, लेकिन उसने बाकी सबसे कहा था ना वो आएगी। हाँ, तू ना हमेशा बेवकूफ रहेगा, हमेशा। It's okay. अगर वो आ गई, अगर वो आई तो इजहार कर देना। अच्छा मौका है, why not? हाँ कर दूंगा। Sir, I'm just coming. I'll see you. इधर आइएगा। वो सामने वाले जो दो टेबल्स हैं, वहां पे देखें सबके पास, वहां पे देखें सबके पास ड्रिंक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप आई तो आपको किसी से मिलवाना है। ओ हाँ, आ गई। तो आ गई इसीलिए कह रहा हूँ ना, आए चलें। अभी इतनी देर क्यों करनी पहले? यार जिनान, जरा प्लीज अबीर को तो देख के आइए। अगर वो तैयार हो गए हैं तो इनको लेके आ जाइए, रस्म अदा करनी है, सारे मेहमान भी आ गए। सिर्फ मैं देखता हूँ। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। अरे बेटे, सबसे मिल तो ले हम। सही, हम भी जरा देख लें। था तो आप थोड़ा सा और इंतजार करें। कर लेंगे।
लौटे तू जरा जा, थोड़ा सा दुख दिखला जा, करो मैं तेरी भेंट कुड़िए, तुम मेरी सोनी भेंट सोनिए, जैसी भी तू ते नाल नचिए, आजा नचना है नचना है नचना है, मेरे नाल छोड़ दे, तू नचना है नचना है नचना है, मेरे नाल छोड़ दे। जब से तुझे मैंने हाय सुधु बुधु अपनी खोई है, मान ले तू मेरी सोनी है, बस आज मेरी तू होनी है, तेरी चाल में भाभी तेरे नैन शराबी मैं मर जावा, गुड़ खाके चल आजा उड़ आजा मन में सुनिए, जैसे बीटू ते नाल नचिए, आजा नचना है नचना है नचना है, मेरे नाल सोनी तू, नचना है नचना है नचना है, मेरे नाल सोनी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहिए। ये है सारा। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हैं भाई। हमें यकीन था कि हमारे पोते की पसंद कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। अच्छा आप जल्दी से बताइए कि हम आपके घर रिश्ता लेकर कब आ जाएं? भाई आपको जल्दी नहीं होगी, हमारे हन्नान को बहुत जल्दी है, और आपसे मिलने के बाद भाई हमें भी बहुत जल्दी है। जवाब दीजिए। वो मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। Excuse me. क्या कह रही है? रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा, मुझे से खेला है, मिल दो बिछड़ दे जैसा। ता तुम्हें एक मिनट आज, यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियां सारा, क्या कह रही है आपकी मंगनी होगी, क्या मतलब? इस बात से आपको क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? आप नहीं जानती मुझे क्या मतलब है। खामोश रहे, कैसे अब तक थे? सारा मैं सही वक्त के इंतजार में था, मैं आपसे कोई अफेयर नहीं चलाना चाहता था, आपसे शादी करना चाहता था, आपसे इतना भी इंतजार नहीं हुआ। आपने मुझे कहा था इंतजार करने को। मुझे लगा कि आपको मेरी फीलिंग्स का पता है, जानती हैं आप सब। इंतजार किया था मैंने आपके कुछ कहने का, बहुत टाला इस रिश्ते को, लेकिन कब तक? अगर आप कहते थे तो हर जंग लड़ लेती मैं आपके लिए। एक बात कहूं आपसे, आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो कह देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए।
वरना बहुत देर हो जाती। सारा मेरी बात सुने, प्लीज ये मंगनी खत्म कर दे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज ये मंगनी खत्म कर। अपनी धुन में सारे को, अपनी धुन में सारे, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरे।